हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने हमारे ऐप में जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चन। पहला सवाल दिया गया है, अ मैन हुज मदर एंड फादर हैड ब्लड ग्रुप्स ए एंड ओ रिस्पेक्टिव। ठीक है, दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन कि एक मैन है कोई, उनकी जो मदर है एंड उनके जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप बताया गया है। बोला गया कि मदर का ब्लड ग्रुप है ए एंड फादर का ब्लड ग्रुप है ओ, तो क्या जीनोटाइप हो सकता है? अगर हम बात करते हैं फादर के ब्लड ग्रुप की, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ओ है, दैट मीन्स फादर के पास में आई ओ कंडीशन होगी। और अगर हम बात करते हैं बच्चों मदर की, तो मदर के बारे में बोला गया है दैट शी हैज ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है मतलब कंडीशन या तो आई ओ वाली है या तो कंडीशन आई ए वाली है, दो ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हमको एक मैन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मैन के पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बोला गया है दैट मैन मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए। नाउ ही मैरीज अ वुमेन, और जो ये वुमेन है इनका ब्लड ग्रुप कैसा है? इनका ब्लड ग्रुप है ए बी। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारे इस ब्लड ग्रुप को टॉपिक की, तो ब्लड ग्रुप जो है ये एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का, जहाँ पे कैपिटल आई ए या फिर जो आई बी अलील्स होते हैं दे आर कोडोमिनेंट। ओके, और जो आई ओ होता है ये रिसेसिव होता है। तो अगर उस वुमेन का ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स द जीनोटाइप ऑफ दी वुमेन उनके पास में ये कंडीशन होगी। अब बोला गया है इफ द मैन हैज ब्लड ग्रुप ए। हमको बोला गया कि जो मैन है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप पॉसिबल अमंग देयर चिल्ड्रन विल बी। कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, कितने टाइप के डिफरेंट ब्लड ग्रुप हो सकते हैं उनके चिल्ड्रन में। अब हमारे पास में एक हिंट है, हिंट ये है कि मैन का खुद का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैन के जो फादर है उनके पास में सिर्फ आई ओ कंडीशन है। इसका मतलब इस मैन के पास डेफिनेटली एक आई ओ कंडीशन तो होनी ही चाहिए, पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि मैन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। दैट मीन्स व्हाट, मैन के पास में मदर साइड से कम कैपिटल ए आया होगा, तब जाके वो मैन का ब्लड ग्रुप ए रहा होगा। नाउ वी हैव द जीनोटाइप ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अब हमको इनके चिल्ड्रन के बारे में प्रेडिक्शन देना है कि उनके चिल्ड्रन के कितने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर हम इसका एक टेबल बना के देखें तो मैन के पास में है आई ए एंड आई ओ कंडीशन, वुमेन के पास में है बच्चों आई ए एंड आई बी कंडीशन। ये हमको इस तरीके से कुछ अगर हमने बॉक्स बना लिया तो हमको हमारा आंसर काफ़ी इजीली है ना। क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे? वन कॉम्बिनेशन विल बी आई ए, एक कॉम्बिनेशन होगा आई ओ का, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज आई ए एंड आई बी, एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज आई बी एंड आई। ये हमारे पास में चार कंडीशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आई ए कंडीशन की, द चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप ए। अगर कंडीशन है आई ओ, इस केस में द चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप अगेन ए। अगर हम बात करते हैं आई ए एंड आई बी की, दैट मीन्स द चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप ए बी। और वहीं अगर हम बात करते हैं आई बी आई ओ की, इन दिस केस द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड विल बी बी हियर। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है बच्चों कि पूछा क्या गया था कि चिल्ड्रन में कितने वैरायटी ऑफ ब्लड ग्रुप होना पॉसिबल है। तो मुझे नजर आ रहा है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप या तो हो सकता है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप या तो हो सकता है ए, या तो हो सकता है बी, या तो हो सकता है ए बी। का मतलब पूछा जो गया था हाउ मैनी डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल अमंग देयर चिल्ड्रन, क्या आएगा इसका आंसर कि तीन टाइप के ब्लड ग्रुप हमको देखने को मिल सकते हैं चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, तो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। अगर हम बात करते हैं बच्चों जूनोटिक डिसीज की, तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है कि एक ऐसा डिसीज जो एनिमल्स से ह्यूमन को होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जूनोटिक डिसीज की, इसका मतलब एक ऐसा कंडीशन होता है बच्चों कि जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स तक पहुंच सकता है। कोविड 19 तो भाई हम सबको पता है एनिमल से
वेक्टर होके आया है। डेंगू भी हमको पता है ना, डेंगू भी हमको पता है कि इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, एंड वो भी हमको एक मॉस्किटो से की तरफ से ही ट्रांसफर होता है। बट अगर हम बात करते हैं मीजल्स की, मीजल्स एक्चुअली में जूनॉटिक डिजीज नहीं होता है, लेप्रोसी इज ऑल्सो जूनॉटिक कंडीशन। याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 हमारे लिए सही आंसर होगा। अगला सवाल इज अबाउट दी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। पूछा गया है कि बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स दे कैन इंटरफियर विद ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स होते हैं बच्चों, ये हमारे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो काम करते हैं अगेंस्ट दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं। अब अगर हमको बैक्टीरिया को किल करना है तो हमने कुछ टारगेट्स सिलेक्ट किए हैं और हम बराबर उसी जगह पे अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इनहिबिट वन एंजाइम कॉल्ड एज ट्रांसपेप्टाइडेज। और अगर हमने ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर दिया तो बैक्टीरिया के सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है, जिससे उनका सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दैट मीन्स वॉट, इफ दी ट्रांसपेप्टाइडेज इज इनहिबिटेड, इफ दी ट्रांसपेप्टाइडेज इज इनहिबिटेड, द बैक्टीरियल सेल वॉल कैन नॉट बी सिंथेसाइज प्रॉपरली। दैट मीन्स द पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड। तो इसको तो हम बैक्टीरिया में इनहिबिट कर सकते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइड, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं तो बच्चों, हम इनहिबिट कर सकते हैं एंजाइम, सॉरी, प्रोटीन राइबोसोम को। राइबोसोम को इनहिबिट करने से क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। इफ वी इनहिबिट द राइबोसोम, याद रखना पड़ेगा आपको कि स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, बस यहाँ से स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स डीएनए के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक रहता है बच्चों, ये टारगेट करता है कुछ स्पेसिफिक जगह पे, जैसे कि इट टारगेट्स टोपो आइसोमरेज। ये क्या करता है कि टोपो आइसोमरेज को टारगेट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टेट्रा हाइड्रोफोलेट के सिंथेसिस को भी ब्लॉक किया जाता है, बिकॉज इफ टेट्रा हाइड्रोफोलेट विल नॉट बी सिंथेसाइज, इसका मतलब प्यूरिन पिरिमिडीन्स भी नहीं बनाई जाएगी और उससे डीएनए के सिंथेसिस को अफेक्ट हो सकता है। ये बातें हमको याद रखनी है अबाउट दी एंटीबायोटिक्स। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम बैक्टीरिया के केस में इनहिबिट करेंगे, बस एक ऐसा प्रोसेस है जो वायरस के अंदर परफॉर्म होता है। ओके, तो द वायरस विल परफॉर्म द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स इंटरफियर करता है विद द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारा इनहिबिट होता है। ठीक है, तो अगला सवाल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स आर अनअफेक्टेड बाय दी सेम एंटीबायोटिक्स। क्या बोला गया है, सपोज एक एंटीबायोटिक है, सॉरी, एक बैक्टीरिया है जो करता है प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टन एंटीबायोटिक। देखा जाता है कि वो एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है पर वो खुद के बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है। तो पूछा गया है कि क्या रीजन है कि वो एंटीबायोटिक का जो सोर्स है उसको नहीं मार पा रहा है पर वो दूसरों को मार सकता है। रीजन होता है बच्चों कि जब भी एंटीबायोटिक जो है प्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया, वो तुरंत उसको इफ्लक्स पंप से बाहर भेज देगा ताकि उसका कंसेंट्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा अमाउंट पे ना हो। इफ्लक्स पंप क्या करते हैं, तो इफ्लक्स पंप हमारे एक तरीके से एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो भी ड्रग रहता है बॉडी के अंदर या कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल, उसको बाहर की तरफ पंप आउट करा सकते हैं। तो दैट इज हाउ द इफ्लक्स पंप दे विल बी वर्किंग। रिफैम्पिसिन जो है ये एक इनिबिटर होता है आरएनए पॉलीमरेज। भैया, तो हमने एक बैक्टीरियल कल्चर में ऐड किया, देन द कल्चर इज इमीडिएटली डिवाइडेड इंटू थ्री फ्रैक्शंस। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बैक्टीरियल कल्चर है, उसमें हमने रिफैम्पिसिन को ऐड किया है। अब हमने कल्चर को डिवाइड किया तीन फ्रैक्शंस के अंदर। एक केस में हमने क्या किया, हमने ऐड किया है टू विच रेडी एक्टिव थाइमिन और यूरासिल और मिथियोनिन इज एडेड। तो एक केस में क्या किया, रेडी एक्टिव थाइमिन को ऐड किया, एक केस में हमने ऐड किया रेडियो एक्टिव यूरासिल को, और एक केस में हमने ऐड किया रेडियो एक्टिव मिथियोनिन को। अब पूछा गया है, 5 मिनट लेटर द सेल्स आर लाइज एंड द रेडियो एक्टिव लेवल इन ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स इज मॉनिटर्ड, वॉट विल यू ऑब्जर्व। हमने क्या किया है,
तो हमने बैक्टीरियल कल्चर लिया, उस कल्चर को हमने 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया। फिर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने रेडियो लेबल थाइमिडिन ऐड किया है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया है रेडियो लेबल यूरासिल, और एक में हमने ऐड किया है रेडियो लेबल मिथियोनी। अब पूछा गया है कि कौन सी बात इसके बारे में सही होगी। तो बच्चों याद रखना है कि हमने क्या किया है, हमने उस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया है रिफैम्पिसिन। अगर रिफैम्पिसिन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, वो जाके आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो गया, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब्स के अंदर में आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो जो भी इनमें से तीनों में से जो मॉलिक्यूल है विच इज इन्वॉल्व इन दी आरएनए सिंथेसिस, वो हमको सेल्स में देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर रहा है। तो क्या देखने को मिलना चाहिए, क्या देखने को मिलना चाहिए हमको इस केस में, तो व्हाट विल ऑब्जर्व, लेबल्स विल बी इक्वली इनकॉर्पोरेटेड, नो आरएनए पॉलीमरेज नहीं है तो यूरासिल तो ऐड होगा नहीं कहीं पे भी, यूरासिल इनकॉर्पोरेटेड इज सिमिलर टू मिथियोनिन, नॉट पॉसिबल भैया, यूरासिल इनकॉर्पोरेटेड ग्रेटर, अरे कहाँ से, पॉलीमरेज ही नहीं है आरएनए का तो कहाँ से यूरासिल ऐड होगा। बट द फोर्थ पॉइंट इज दैट थायमिन एंड मिथियोनिन इनकॉर्पोरेटेड विल बी ग्रेटर देन यूरासिल। ये बात सही है कि यूरासिल जो हम ऐड कर रहे हैं, थायमिन मिथियोनिन ऐड कर रहे हैं, तो याद रखना है कि एंड मिथियोनिन का एडिशन जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उन स्ट्रैंड्स में पॉलीमरेज अगर इनहिबिट कर भी रहा है तो यूरासिल ऐड नहीं हो पाएगा। तो राइबोसोम्स तो है, मिथियोनिन भी ऐड हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज भी है, तो थायमिन भी हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर ये विल बी ऑप्शन नंबर 4 हियर। ठीक है, तो आप लोगों को डेली विजिट करना है हमारा जो वेबसाइट है ifsonline.com, या आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको लर्न फ्री के सेक्शन में जाके IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा बच्चों, जिसमें आप लोग जाओगे स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो आपको यहाँ पे ये 100 डेज चैलेंज के सारे क्वेश्चन, डेली लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, जाइएगा क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, बहुत कम टाइम लगेगा, बट ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट। तो डू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड डू पुट इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।